आज का वीडियो बड़ा जोरदार है। बड़े दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूं, वो वीडियो है बालों को काला करने के लिए। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बालों को काला करने का इंस्टेंट तरीका बताया था, लेकिन आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि बालों को अगर काला करना है, ठीक है, और अगर आपके बाल झड़ते बहुत ज्यादा है, अगर बालों में रूखापन बहुत है, चमक ही नहीं है बालों में, ऐसे लगता है मिट्टी पड़ी हुई बालों में, वो अगर तकलीफ आ रही है, या फिर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, ये चार की चार चीजें हैं। आज इतने सिंपल वे में बताऊंगा और बना के दिखाऊंगा बकायदा आपको, खाली दो ही चीजों का इस्तेमाल करना है। और खुदा न खास्ता एक और चीज, तीन चीजें डाल दिया आपने, आह जिंदगी के नजारे लोगे आप, जिंदगी के नजारे, राइट। तो आज मैं वो वीडियो शेयर करूंगा। उसका बड़े टाइम के बाद पता चला, मैंने भी किसी से सीखा, अपने मित्र से, और जब किसी को अजमा के हम एक लेवल पे आए, हमें पता लगा कि वाकई जबरदस्त काम कर रहा है, तो मैंने कहा अब शेयर करने का टाइम है, सबके साथ शेयर करता हूं, राइट। और आज इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, एक एक चीज करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, ताकि ये तकलीफ जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, राइट। और इसके अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल होनी है वो मैं आपको सारी अभी के अभी शेयर करता हूं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसी होम रेमेडी, ऐसा जबरदस्त एक ऑयल कह लीजिए, डाई की फॉर्म में एक ऑयल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके बालों को काला करने में मदद करेगा। हफ्ते में एक बार या फिर दो बार लगाइए, एक महीने के बाद आपको रिजल्ट्स जबरदस्त नजर आने शुरू हो जाएंगे। उन लोगों के लिए खासकर जिनके बाल सफेद हो गए हैं या सफेद हो रहे हैं, जिनके सफेद हो रहे हैं उनको तुरंत कंट्रोल करेगा, जिनके पूरे सफेद हो गए हैं उनको तो मेरे इंस्टेंट वाले वीडियोस में जाना चाहिए, लेकिन जिनके सफेद होने शुरू हो गए हैं वो आज इस वीडियो को आखिर तक देखना, और ये तुरंत कंट्रोल कर देगा, और थोड़ा लंबे समय तक यूज करेंगे तो ये सफेद आने भी बंद हो जाएंगे, ये पक्की बात है, बहुत जबरदस्त है, ओके। और इसके अलावा जो लोग, जिनका ऐसा लगता है डेंड्रफ बहुत ज्यादा है, स्कैल्प जो है वो बड़ा इरिटेट सा होता है, हर वक्त खुश्की और खारिश रहती है, ये उसमें भी काम करेगा। और जब आप पहले या दूसरे धो में इसको लगाओगे ना, जब आप शैंपू से बाल धो लोगे, तब आपको समझ में आएगी ये कितनी जबरदस्त चीज है, जब बाल शाइन करेंगे, राइट। तो ऐसी चीज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, और कैसे बनाना है इस फॉर्मूले को, इसको कैसे तैयार करना है, चलिए बना के दिखाता हूं। आज की होममेड जो रेमेडी तैयार हमने करनी है, डाई जो तैयार करनी है, इसके लिए आपको एक कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कढ़ाई ही लेनी है, और इसमें डालना है आपको एक चम्मच हल्दी पाउडर, राइट। आपको आयरन कढ़ाई ही लेनी है, क्योंकि जब भी हम आयरन कढ़ाई के अंदर कोई भी हेयर ऑयल, हेयर मास्क या हेयर डाई बनाते हैं, तो वो हमारे बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, राइट। और अगर आपके पास आयरन कढ़ाई नहीं है तो आप कोई बाउल ले सकते हैं, या फिर जैसे एक बार के लिए बनाना है तो आप लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल लोहे का ही इस्तेमाल करना है, राइट। तो लेने के बाद फिर आप एक चम्मच इसके अंदर हल्दी का डाल लीजिए। ध्यान रखें कि मैंने ये आम कंपनी का कोई पैकिंग वाला हल्दी पाउडर नहीं लिया है, मैंने अपनी जो हल्दी है बाहर से लेके सूखी हल्दी, उसको पीस के फिर मैंने अपने घर में बनाया है, और उसी का इस्तेमाल मैं आमतौर पर रूटीन में भी करता हूँ, राइट। तो मैंने इसी तरीके से, आप गांठ वाली हल्दी लाके उसको सुखा के फिर अपने घर में भी उसका पाउडर बना सकते हैं, या सूखी भी आपको हल्दी मिल जाएगी, अच्छी हल्दी मिल जाएगी, और उसमें छेद वगैरह नहीं होने चाहिए, राइट। तो वो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका पाउडर इस्तेमाल कीजिए, और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी और अच्छा देखने को मिलेगा, राइट। और अब आपको इसको लेके आयरन कढ़ाई में डालना है, और गैस को आपको सिम गैस पे रखना है, राइट। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं इसको गर्म करना, इस बात का ध्यान रखना है। और हल्दी को आपने तब तक भूनना है जब तक कि हल्दी का कलर जो है ये चेंज ना हो जाए। आप देखिए धीरे धीरे ये चेंज होना हल्का हल्का शुरू हो गया है, लेकिन तब तक आपको धीरे धीरे इसको जो है वो भूनना है। हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये एकदम से जल जाएगा, राइट। तो धीमी आंच पे अगर आप करेंगे तो खाली 4 से 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर जो है वो काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया है, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से ये ब्राउन हो गया है, राइट। अब आपको गैस सिम पे ही रखनी है, और अब आपको लेना है सरसों का तेल, और
ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और इसमें आपको डालना है सरसों का तेल, राइट। 3 चम्मच इसमें डालने हैं, 1, 2 एंड 3, ये भर भर के मैंने 3 चम्मच पहले इस कटोरी में डाल रखे थे, राइट। ये 3 चम्मच आपने सरसों के तेल इसके अंदर मिक्स कर लिया और इसको हमने सिम गैस पे रहने देना है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, राइट। ओके, और अभी मैंने सरसों के तेल में जब हम डालते हैं तो आप सोचिए डैंड्रफ के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा इसके अंदर, और जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनको बाल काले करने हैं, ये सब में काम करेगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार में लगाया और आपके बाल काले हो गए, ये काले करेगा लेकिन समय के साथ साथ, जैसे 3 से 4 हफ्ते आप जब इस्तेमाल करेंगे इसको तो आपको अपने आप रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, खासकर उनके जिनके बाल अभी अभी सफ़ेद आने शुरू हुए हैं या बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो आप इसकी इस रेमेडी का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जड़ों पे जाके काम करेगा, और क्योंकि इसके अंदर हल्दी है, क्यूरक्यूमिन इसके अंदर खास तरह के एक एलिमेंट पाया जाता है जिससे कि बाल जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, मजबूत होते हैं बाल, बाल गिरते नहीं हैं और डैंड्रफ भी दूर होती है, राइट। और ये देखिए ये बिल्कुल अब मिक्स हो गया है आपस में, राइट। ये देखिए दोनों, और ये तब तक हमने इसको गर्म करना है जब तक ये अच्छी तरह से ये बिल्कुल ये आपस में मिल ना जाए। आप चाहें तो इसमें 4 चम्मच भी डाल सकते हो। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके बाल रूखे हैं, बेजान है, तो उसमें चमक लाने के लिए आप इसके अंदर एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, राइट। एलोवेरा जेल अगर आपके घर में लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाजार से रेडीमेड, लेकिन उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होने चाहिए, खाली एलोवेरा जेल होना चाहिए, तो वो एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं। उसको मिक्स करके फिर आप बालों पर लगाएंगे तो बालों में शाइनिंग जो है वो पहले दूसरे दिन से आपको आनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे ऑयल तैयार हो गया है, इसको अब हमने ठंडा करके इस्तेमाल करना है, राइट। ये देखिए ये अपना पूरी तरह से तेल पक के तैयार हो गया है, और ये देखिए, राइट। और अब ये यस, अब आप देखिए ये तेल ठंडा हो चुका है। इस तरीके से आप कॉटन लेकर, जैसे ये मैंने कॉटन ली है, आपने बालों की जड़ों को लगानी है बिल्कुल इस तरीके से, जब ठंडा हो जाए तो डिप करके बालों की जड़ों में जहाँ जहाँ आपको लगता है, अगर डैंड्रफ है पूरे बालों में इसकी मसाज कीजिए और सारी रात लगा के रखिए, राइट। तकिए के ऊपर कोई पुराना कपड़ा डाल लीजिएगा ताकि तकिया ख़राब ना हो, और पूरी रात इसको लगा के सोइए, और सुबह किसी भी आयुर्वेदिक शैम्पू से आप अच्छी तरह से धो लीजिएगा, बस केमिकल फ्री होना चाहिए, राइट, और किसी भी अच्छी कंपनी का आयुर्वेदिक शैम्पू। इसको हफ्ते में 2 बार कीजिए, और आप इसको हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और डेफिनेटली ये काम भी उतना ही बेहतरीन तरीके से करेगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर इंसान का सबका भला हो सके, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, खुश रहिए।